और कालाढूंगी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू मलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते कुमाऊं सांस्कृतिक कथा उत्थान समिति के खुर पाताल के कलाकारों ने बस स्टैंड और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि घरों के आसपास सफाई का ध्यान रखें, बार बार तेज बुखार आने, शरीर पर लाल रंग के निशान होने पर तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें या फिर 104 निःशुल्क नंबर पर फोन करें। उन्होंने कहा कि मलेरिया और डेंगू के रोगों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कालाढूंगी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मैं तुझे आज बता दूं, अवसाद 104 नंबर में डायल करके सूचित करो अवसाद। हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने आमंत्रित किया और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से ये कार्यक्रम दिए हैं कि डेंगू और मलेरिया पे जो आजकल जो चल रहा है उससे किस तरह से ये परिवार बच सकते हैं, हम अपने घर के आसपास किस तरह की सफाई रख सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढों में हम पानी इकट्ठा नहीं कर सकते जिससे हमें मच्छर पैदा हो और हमारे लिए जानलेवा बन जाए। वैसे इसमें मच्छर के जो कारण है उससे लोग डेंगू और मलेरिया से घबराएं नहीं, परंतु उसमें आप 104 नंबर में डायल करके आप स्वास्थ्य विभाग से बात कर सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग आपको तत्काल उसमें सुविधा बताएगी।